नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आलंदी पुणे तीर्थ क्षेत्र विकास के तहत लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम के 3 नंबर स्कूल के नजदीक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, लेकिन उस शौचालय का रख रखाव और साफ सफाई नहीं होने से उसकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस वजह से स्कूली विद्यार्थियों को काफी असुविधा होती है। माझं नाव आहे करण सजराव वाकुडे। आम्ही अशा शिकतो सातवीला आहे। याच्याबद्दल आम्ही शिकताना मॅडम दरडा शिकवताना ना या टॉयलेटचं लय घाण वास येतो आणि मन लागत नाही। याच्याबद्दल ना आम्हाला त्रास झाला। मच्छर चावतात। याच्याबद्दल आम्हाला आजार झाले। जून में स्कूल खुलने वाले हैं, उससे पहले इस शौचालय को ठीक कराना जरूरी है। शौचालय की दुरावस्था को लेकर आलंदी नगर निगम की नगर सेविका शैला तापकीर ने ठेकेदार पर सवाल उठाए हैं। आलंदी एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। इवन महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर से लाखों भाविक यहाँ पे आते हैं। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि टॉयलेट जो है उसकी बहुत दुरावस्था है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी मैंने बातचीत की, वो बोलते हैं हम साफ करते हैं, लेकिन जैसे चाहिए वैसे साफ सफाई यहाँ पे होती नहीं है। पूरे आलंदी में 14-15 टॉयलेट्स यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी भी पूरी ऐसी ही अवस्था है। कहाँ के कांच टूटे हैं तो दरवाजे भी डोर जो है वो भी कट हुए हैं। कहाँ पे पानी नहीं रहता और बहुत गंदगी भी होती है। इस मामले में खबरदार ने जब CEO समीर भूमकर से बात की तो वे आलंदी के नगर वासियों पर ही दोष मढ़ने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने नहीं आता, टॉयलेट का उपयोग ज्यादा करती है। परंतु क्या हुआ है कि तीर्थ क्षेत्र विकास आराखड़ा से 3 मंजिला ये टॉयलेट बना है, बहुत ही अच्छा और सुंदर बना था, परंतु नागरिकों ने उसका ठीक से यूज किया नहीं। बहुत से लोग आके तोड़फोड़ करके गए, कांच तोड़ते हैं, लाइट चोरते हैं, नल तोड़ के जाते हैं, ग्रिल तोड़ के जाते हैं, कुछ भी रखते नहीं वहाँ पे। तो हमारे नगर पालिका ने अभी ऐसा ठहराव ले रहे हैं कि हम जो जितने भी 3 मंजिली टॉयलेट्स है उनमें से सिर्फ नीचे का फ्लोर शुरू रखेंगे, ऊपर के 2 फ्लोर हम बंद करेंगे, और जब बड़ी यात्रा होगी तो ही ऊपर के और फ्लोर करेंगे। इससे एक तो नगर पालिका के मालमत्ते का नुकसान नहीं होगा और बार बार जो हम खर्च कर रहे हैं उस पर भी जरा लगाम लगेगा। जितना प्रशासन की जवाबदारी है टॉयलेट स्वच्छ रखने की, हम 100% कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारे कोशिश करने पे भी मर्यादा आ रही है, क्योंकि रोज तोड़फोड़ हो रही है। तो हमें एक एक वॉचमैन रखना पड़ेगा हर टॉयलेट में, जो बहुत ही खर्चीली चीज है। शौचालय की दुरावस्था के लिए प्रशासकीय अधिकारी लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि प्रशासकीय अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में शौचालय की दुरावस्था पर कब ध्यान दिया जाएगा, इस बारे में कह सकना मुश्किल है। आलंदी से सुनील भोंगल, खबरदार। देखते रहिए खबरदार।